ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 45 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज हमने कर लिया कि अगर एक बॉडी एस्केप वेलोसिटी एक्वायर करती है तो सी दोनों एनर्जीज काइनेटिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम आज हमने किया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज आर, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज टी, मास ऑफ द सन। अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हमने किया था, मास ऑफ द सन वाला मैंने करवाया था कि अगर मास ऑफ द सन एम एस है, अर्थ का मास एम है और आर रेडियस में घूम रही है, तो सन इसे अट्रैक्ट करेगा इतनी फोर्स के साथ, तो एम आर ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा को क्या पुट करना है, 2π/T, तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, मास ऑफ सन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये आपके पास आर क्यूब आ गया और इसकी जगह 2π का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मास ऑफ सन में तो मास ऑफ सन आ जाएगा। ठीक है यहां तक, इसका आंसर सी तो नहीं आ रहा, सी नहीं आएगा इसका आंसर, ए आर बी में से अंडर रूट तो आएगा नहीं ना, हाँ ए आर बी में से आएगा जो आएगा, बी है बी आएगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आज किया हमने, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू पावर -5/2, मतलब यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला आपको जो लेना है -5/2 का मतलब फोर्स का फॉर्मूला है जी एम एम डिवाइडेड बाई R रेज टू पावर +5/2 डिनोमिनेटर में। तो क्या निकालना है, टाइम पीरियड क्या सिखाया था, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह 2π/T, टाइम पीरियड निकाल देना किसके प्रोपोर्शनल, आंसर शायद n+1/2 के इक्वल आया था, है ना, कुछ ऐसे आंसर था जो तूने कहा था फॉर्मूला याद कर लें, n+1/2 कुछ ऐसा था, और n यहाँ पर 5/2 है, 5/2 + 1 7/2/2 देख लेना यार, 3.5D देखो आज याद है, गारंटी नहीं है कल की याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मतलब देखो मेरे को याद नहीं रहता पर इसने स्पेशली कहा कि याद कर लें तो मैंने देख लिया था तो मुझे याद रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 में सपोज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और क्या निकालना है, इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन सच अ केस वेरीज एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस एन क्या होगा, देखो वो कह रहा है जो फोर्स है ना वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आर है बस, क्योंकि उसने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट आर स्क्वायर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर, ये रहा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आर से आर क्या हो गया कैंसल, ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट आर तो फिर आंसर भी पक्का ही जीरो है, तो जीरो ही आ गया। ठीक है यहां तक, नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10th, अ बॉल जिसका मास एम है इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी एन इंटू वीई, तो ये वेलोसिटी किससे फायर कर रहे हैं, एन इंटू एस्केप वेलोसिटी, तो आपको क्या बताना है कि निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस कितनी हाइट वो अचीव करेगी, तो हाइट जो अचीव करेगी ये आपको बताना है, और n लेस देन 1 है, कहीं सोचोगी n टाइम एस्केप है तो एस्केप तो पक्का ही कर जाएगी, जैसे n फ्रैक्शन है हाफ है, एस्केप वेलोसिटी से वैल्यू कम है वेलोसिटी की, तो क्या करेंगे, हाइट निकालनी है एनर्जी कंजर्वेशन, -gmm/r और काइनेटिक यहाँ पर क्या है हाफ इंटू एम इंटू एन इंटू वीई का स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर -gmm/r +
एच, और काइनेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। इक्वेट कर लेना, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेना, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। मेथड क्लियर है, कैलकुलेशन आपने करनी है, किसके साथ इक्वेट करना है, क्लियर है। जब भी हाइट निकालनी हो, वेलोसिटी गिवन हो, एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 याद कर लिया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वही शीट का ही क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आज किया है, एडिशनल एनर्जी 2e माइनस ई, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 डाउट होना चाहिए, कितनों का हो गया, हो गया तो कैसे हो गया, और नहीं हुआ तो अभी दो मिनट करके देखो इसे, और क्या लगेगा मुझे ये बताओ, क्या फॉर्मूला लगाऊं, टॉपिक बोलो क्या है, फॉर्मूला बोल दो। ये बता दो कि कौन सा लॉ लगाएं, टी स्क्वायर क्या निकालना है, टी स्क्वायर क्या लगाएं, ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, कैपलस थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कितने लोग एग्री कर रहे हैं ऑनलाइन, यस कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी तो निकाल सकते हैं, यस नो ही बोल दें ऑनलाइन वाले, यस सर। देखो क्वेश्चन है, इसमें मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, ये अर्थ है, रेडियस आर है, तो acceleration due to gravity at earth surface g cube of radius of orbit of geostationary satellite will be equal to what? तो एक सेटेलाइट इसके आसपास घूम रही है, वो जो सेटेलाइट है, वो जो सेटेलाइट है उसका r cube किसके proportional होगा, ये क्वेश्चन है। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मैं ये लॉ शुरू कर लूं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यस कि नो, ऑनलाइन यस कि नो, यस सर, नहीं बोल दो, अगर ऑनलाइन वाले नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, नो no. क्यों, यस सर, तुमने तो किया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आंसर को छोड़ो वो मैं निकाल दूंगा सिंपलीफाई करके, पहला स्टेप करूं या ना करूं, करूं नहीं करना, अब पूछो क्यों। केपलर का पूरा नाम क्या था लॉ का, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसने कहा था मेरा लॉ ना प्लैनेट्स पे लगाना, सैटेलाइट पे मत लगाना, तो या केपलर का थर्ड लॉ या केपलर का कोई भी लॉ सैटेलाइट्स पे काम नहीं करता, ठीक है। और बनाने वाला बड़ा समझदार है, जानबूझ के आर क्यूब दे रहा है ताकि लोगों को लगे टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लगे, जानबूझ के आर क्यूब दे रहा है, समझ में आ रहा है, सैटेलाइट पे नहीं लगाना। और भी कलाकारी दिखाता हूँ कई स्टूडेंट्स की, केमिस्ट्री की क्लास में जाके केमिस्ट्री के टीचर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, केमिस्ट्री का टाइम पीरियड निकाल लो, वो कहेगा केपलर लॉ लगाएंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो कहेगा ये लॉ कहां से आया, भाई प्लैनेट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, वहां मत लगा देना ये लॉ, समझ में आ रहा है। मन में ऐसे विचार आते हैं कि यार घूम ही तो रहा है, टाइम पीरियड निकालना ही तो है, लगा दो, नहीं लगाना, समझ में आ रहा है। अब देखो सैटेलाइट घूम रही है क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, सैटेलाइट की घूमने की वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल है, अंडर रूट ऑफ क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, यही फॉर्मूला है, जब सैटेलाइट बहुत क्लोज होते सरफेस ऑफ अर्थ के, यही फॉर्मूला ऑर्बिटल का, जब सैटेलाइट घूमती है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा भी तो चाहिए, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। यहां से कैपिटल जीएम को रिप्लेस कर दो,
स्मॉल जी आर स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो स्क्वेयरिंग करो जी आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, आर से आर कैंसल, तो किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। पर उसने क्या कहा कि आर का क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसी बोला ना, आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल, एक काम करो दोनों साइड्स को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया आर का क्यूब, तो ढूंढ लेना आंसर जी आर स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो भी होगा आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल सैटेलाइट का क्वेश्चन है, ऑर्बिटल का क्वेश्चन है, इसमें केपलर लॉ नहीं लगेगा। ठीक ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 17th के बाद क्वेश्चन नंबर 18th सबके लिए वैलिड है तो आसान है। 19th 21 20 वही है माइनस 5/2 वाला 21 करेंगे। 21 में क्या गिवन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस 3 केजी आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो 3 केजी का मास कहां पे रखा गया, एट एक्स इज इक्वल टू कितना 1 मीटर पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर पे, एट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर पे टिल इंफिनिटी, तो 3 केजी 3 केजी 3 केजी 3 केजी एंड 3 केजी ऐसे। तो यहां पर ये ओरिजिन है, ठीक ओरिजिन है, तो आपको ये बताना है कि ओरिजिन के ऊपर लिखा नहीं हुआ पर यही है, ओरिजिन के ऊपर ई की वैल्यू बताओ क्या होगी इन सभी मासेस की वजह से। तो जहां पर आपको ई निकालना है वहां अपने अज्यूम करने मास क्या पड़ा हुआ है 1, ये 3 केजी 1 को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ई की वैल्यू क्या लगाएगा जी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ये 3 केजी भी इसे 1 को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो जी इंटू 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये 3 केजी भी अट्रैक्ट करेगा तो जी इंटू 3 बाई 4 का स्क्वायर, कहां तक टिल इंफिनिटी, यहां से कॉमन निकालेंगे जी इंटू 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1 बाई 1 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4 स्क्वायर 1 बाई 8 स्क्वायर टिल इंफिनिटी, ये वैल्यू आ गई। अब ये एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, नॉन मेडिकल वालों को ज्यादा समझ में आता है, मेडिकल वालों को अगर आप ये सीक्वेंस देखें इन्फिनिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें रेशियो 1/4 है, नेक्स्ट को नेक्स्ट से डिवाइड करें तो 1/4 है, हर में 1/4 है, इसको बोलते हैं जीपी, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम है मैंने फॉर्मूला करवाया था ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म पहली टर्म है और आर का मतलब क्या है कॉमन रेशियो, तो इस सीरीज में पहली टर्म कौन है 1 और रेशियो क्या है इसकी 1/4, सॉल्व करके आंसर, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यहां से आंसर आएगा। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट है 21 के बाद 22 में डाउट, आज किया 3/5 वाला 23 24 ठीक है डन ठीक है।